कोई ऐसा शेड है या फिर कोई जॉनर है जो आप ट्राई करना चाहते हैं इन फ्यूचर? नेगेटिव आई वुड लव टू, मैंने थोड़ा बहुत तो किया ही है. इन द म्यूजिक वीडियोज आई ट्राइड इट एंड पीपल लाइक्ड इट आल्सो. तो एक अलग चैलेंज होगा इफ आई डू यू नो समथिंग अपार्ट फ्रॉम जस्ट द गुडी टू बॉयज, या फिर कोई कैरेक्टर इतना स्ट्रांग हो जैसे आप ठेठ लैंग्वेज में हो जाए या फिर नेगेटिव हो जाए. सो दैट विल बी फन टू प्ले. एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि आई हैव सीन बिग बॉस और आपका वाला सीजन मैंने पूरा देखा. वो एक चीज़ रियलाइज हुई कि करण इज नॉट अ परफेक्ट, आई डोंट नो, आई कुड बी रॉन्ग हियर आल्सो, आप खुद बताइएगा. मुझे कभी ऐसा लगा कि यार करण के लिए शायद बिग बॉस जैसे शोज नहीं है. आपको फील हुआ क्या? मेरे अलावा किसी और ने बोला आपको ये? नहीं, आपके अलावा जब मैं निकला था बाहर तो मीडिया में तो सब यही कह रहे थे कि करण आपके लिए शो नहीं था, आप क्यों गए. मैंने कहा, और बहुत इमोशनल भी हो रहे थे और बहुत डिस्टर्ब भी हो रहे थे इस बात को लेके. तो मैं सबको ये बोला, मैं कहा भाई इतना क्यों इमोशनल हो रहे हो, इट्स ओके. आई देखिए, इट वाज जस्ट लाइक कि आई वांटेड टू ट्राई इट, कि जो आपका सबसे कंट्रोवर्शियल घर है इंडिया में, आप एक तो उसमें जाएं और बाहर साफ सुथरे आए. नंबर टू, आपने नैतिक को तो देखा ही है. ऑफकोर्स करण इज, या करण कैसा ही आप शायद नहीं जानते. नहीं जानते, एग्जैक्टली. बट नैतिक हैज ऑलवेज बीन एन एक्सटेंशन ऑफ करण, लाइक हाउ आई एम. बट जब आई गेस बिग बॉस आया था तब वो टाइम भी थोड़ा डिफरेंट था. टाइम भी डिफरेंट था, 8 साल पहले की बात है. कॉमनर्स और सेलिब्रिटीज का पहला वो शो था एंड चैलेंजिंग भी था. मैंने कहा एंड आई हैव टू बी मी, मैं कहता तो व्हाई नॉट, आई विल गो. यू फील सो बिग बॉस में कभी भी ये आरोप तो बहुत शुरू से लग रहे हैं, एलिगेशंस भी बहुत लगते हैं कि नहीं नहीं स्क्रिप्टेड होता है, शायद ये होता है. स्क्रिप्टेड तो नहीं है, मतलब मैं अपना ही बता सकता हूँ. बट हमें, लाइक मुझे तो कुछ नहीं कहा गया, हम लोगों को भी कोई कुछ नहीं बताता था ऑफकोर्स, क्योंकि कोई इंटरेक्शन ही नहीं थी. इट वॉज जस्ट हम एक दूसरे से बात कर सकते थे, बाहर की दुनिया से कोई कॉन्टैक्ट नहीं था. टाइम का सेंस, कौन सा दिन है, ये सब हम लोग को खुद याद रखना पड़ता था. एंड आई तो एंजॉयड माई जर्नी, बहुत मज़ा आया, हम लोग बहुत मस्ती करते थे हम लोग तो सब. सिनेमा इज समथिंग जहाँ पे एवरी एक्टर हैज़ अ ड्रीम के. ऑफकोर्स आई एम श्योर आपके पास भी वही ड्रीम्स होंगे आपके, कि शायद मैं जो आपका कोई एक फेवरेट डायरेक्टर हो या फिर कोई फिल्म मेकर हो जिसके साथ मैं काम करूं. कभी आपने बैठ के जब सोफे पे बैठते हैं घर पर या फिर ऐसे बालकनी में देख रहे होते हैं, हाथ में कॉफ़ी होती है, कभी रियलाइज़ करते हैं कि यार शायद मैं यार एक दिन इस डायरेक्टर के साथ या इस फिल्म मेकर के साथ ऐसा कैरेक्टर ज़रूर प्ले करूँ? ऐसा मैंने मतलब स्पेसिफिकली इतना नहीं सोचा है, बट आई हैव हैड द चांस टू वर्क विद द बेस्ट डायरेक्टर्स इन द कंट्री. तो मैंने राजकुमार हिरानी जी को भी असिस्ट किया है, राम गोपाल वर्मा जी को भी असिस्ट किया है, एंड आई हैव स्टाइल बच्चन साहब टू अ लॉट ऑफ अदर एक्टर्स माई सेल्फ. तो ये एक्सपीरियंस गेन किया था बिफोर यू नो बिकमिंग नैतिक ऑल्सो. तो सबका मैं क्राफ्ट देखता था बैठ के. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन. तो सेट पे भी बैठ के बस सबको देखता रहता था, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हाउ दे आर कंडक्टिंग देमसेल्व्स. एंड एक्वायरिंग नॉलेज का एक मेरा वो रहता ही है, तो मैंने वो सारा कंज्यूम किया, पुट इट टू यूज़ व्हेन आई वाज एक्टिंग और अदरवाइज. चाहे फिर उसके बाद मैंने खुद डायरेक्शन की हो, प्रोड्यूस किया हो, कैमरा चलाया हो, 10 चीज़ें अलग की हों,